हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर कॉन्सेप्ट प्लान डेवलपमेंट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट द बॉम्बे प्लान. व्हाट वाज बॉम्बे प्लान? हियर इन योर बुक द बॉम्बे प्लान वाज गिवन हियर. अ सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट go together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. ki 1944 ke andar jo bombay ke andar hamari country ke jo big industrialist jo kya hai ikatte hue the aur unhone country ke liye kya hai ye kaha tha, the state to take major initiative in industries and economic investment. ki unhone kaha ki state ko initiative pehal karni hogi taki wo country ka kya hai is type se इकोनॉमी डेवलपमेंट किया जा सके. ओके नाउ द अर्ली इनिशिएटिव, एक्चुअली ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में हमें क्या है दोबारा से और जानेंगे, इसके एक रिविज़न लेंगे. द अर्ली इनिशिएटिव कि जैसे कि एज इन द USSR द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर, कि जैसे USSR ने 5 ईयर प्लान कमीशन क्या अपना प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट किया था, ऐसे ही इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया, जैसे कि USSR ने भी किया था. और इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये बहुत एक ऐसा ऑप्शन था जिसके थ्रू वो अपना आपको क्या है इकोनॉमिक रूप से डेवलप करना चाहती थी. हियर कि यहाँ पे सब कुछ जो 5 ईयर प्लान है उस बारे में रखा. हालांकि ये 5 ईयर प्लान हमारे जो चैप्टर सिलेबस है उसे अब डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि हमारे चैप्टर से कनेक्ट है तो पता होना चाहिए व्हेन द 5 प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड और व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस. हियर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन 1951 to 1956 एंड द सेकेंड 5 ईयर प्लान वो स्टार्टेड इन 1956 एंड थर्ड इन 1961. ये जो तीनों 5 ईयर प्लान थे बहुत फोकस थे. यहाँ पे गिवन है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे जो इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ द पॉवर्टी. के एन राजा यंगेस्ट इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान. हु वॉज के एन राज, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हु वॉज के एन राज? के एन राज वॉज अ इकोनॉमिस्ट, कि वो एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करने में काफ़ी क्या है इंडिया की हेल्प की थी, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प की थी. कि इन्हीं की थ्योरी थी, इन्हीं की आइडियालॉजी थी कि जिसके थ्रू फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऊपर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या इंडियन गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर फोकस किया. फिर नेक्स्ट सेकेंड जो यहाँ पे बात हुई थी कि जो इंडिया ने इस टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू ही, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बात हो रही थी तो एग्रीकल्चर के अंदर जो भाखड़ा नेंगल डैम वगैरह जो ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो इसी टाइम क्या है स्टार्ट करवाए गए थे, और जिसकी वजह से जो इंडिया के अंदर जो एक रैपिड अगर हम कहें इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ टाइम के लिए इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू स्टार्ट हुई थी, और स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो हमारा ये कहें कि जो फूड स्टोरेज था अब वो पहले के कंपैरिजन में बेटर बना था. लेकिन 1970 तक आते आते क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या है अपना फोकस चेंज किया और इंडस्ट्री के ऊपर जैसा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया. और जब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी तो इट मीन्स क्या है इसका ड्रॉबैक किसके ऊपर पड़ा, किसके ऊपर इसका इफेक्ट हुआ, इसका नेगेटिव इफेक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ा. और जिसकी वजह से क्या है 1960 और 1970 तक आते आते जो एक बार दोबारा से क्या कंट्री को किसको फेस, जो फूड क्राइसिस इनको फेस करना पड़ा. नेक्स्ट थिंग इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. फर्स्टली लुक एट हियर, हियर आ येलो बॉक्स इज गिवन. दीज येलो बॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक चैप्टर के अंदर ये येलो बॉक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से 2 मार्क्स वाले जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं बहुत आते हैं, और 1 मार्क में भी, MCQs में भी बहुत आते हैं. कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जिस पेज पे दिए जाते हैं और साइड में जो एक्सटेंशन होती है तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस जो हमारा पैराग्राफ है इससे रिलेटेड है. हु वॉज PC महालनोबिस? PC महालनोबिस वॉज अ साइंटिस्ट एंड अ स्टैटिशियन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट. इन्होंने इंडियन जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है उसको इनके वे फाउंडर रहे हैं. ऑफकोर्स स्टैटिकल किससे जुड़ा है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है ना सब्जेक्ट है. आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड प्लान, जो सेकेंड प्लान है उसके ये आर्किटेक्ट यानी कि मेन ड्राफ्टर रहे थे. सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और इन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था
कि इंडियन गवर्नमेंट को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को किसके ऊपर फोर्स करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोर्स करना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर को भी इन्होंने काफ़ी क्या है इनको बढ़ाया। देखो ये तो क्या थे, सेकंड फाइव ईयर प्लान के ड्राफ्टर रहे कौन, पीसी महालनोबिस, एंड हु वाज द ड्राफ्टर ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, के एन राज वाज अ यंग इकोनॉमिस्ट एंड ही ड्राफ्टेड द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान। नेक्स्ट थिंग देखो, अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है, सेकंड फाइव ईयर प्लान की बात हो रही है, कि सेकंड फाइव ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने किसके ऊपर फोकस किया, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया, ठीक है। कि ये देखो हमें लर्न नहीं करना है, ये हमें रीड नहीं करना है, क्योंकि ऑफकोर्स ये हमारे चैप्टर से डिलीट हो चुका है ये पोर्शन, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हमें पता होना चाहिए कि अगर इंडिया ने प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट की थी, प्लान डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो प्लान डेवलपमेंट इंडिया ने किया था अपने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग कमीशन के थ्रू अपना क्या है डेवलपमेंट किया था, और उसमें इंडिया ने फाइव ईयर्स प्लान अडॉप्ट किए, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर पर फोकस किया, और सेकंड फाइव ईयर प्लान में जो किसके ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया। हियर अ फिगर इज गिवन हियर रिलेटेड टू, देखो एलोकेशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फाइव ईयर प्लान को दिखाया गया है, जो रेड से सिंबलाइज है वो क्या है, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, और जो ब्लू है वो है सेकंड फाइव ईयर प्लान। इसको देख के ही आप लगाओगे कि किस फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर या अदर इंडस्ट्रीज पर फोकस था, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर आ, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के हब बड़ा है ना, और यहाँ पे अदर कम्युनिटी डेवलपमेंट पर बहुत कम रहा। नेक्स्ट में हम देखें इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल, अगर वो सब कुछ इसमें इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है तो इससे पता चलेगा कि धीरे धीरे किस प्रकार से सेकंड फाइव ईयर अगर हम बात करें। देखो यहाँ पे इंडस्ट्री और माइनिंग जो है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में उसके ऊपर बहुत कम फोकस किया गया था, और लेकिन जो क्या थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था सेकंड फाइव ईयर प्लान में, फर्स्ट में कम था। पावर के ऊपर क्या था, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में बहुत फोकस था, क्योंकि इसके अंदर ही क्या किया गया था, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के थ्रू हीराकू नांगल जैसे ये डैम प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे। ये सब क्या है, ये शो करता है कि इसके थ्रू जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो पब्लिक सेक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या फोकस किया था, या फिर ये कहें हम कि इस सेकेंड फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के थ्रू क्या है, जो एक ऑर्डिनरी पीपल थे उस टाइम इंडिया के, उनके डेवलपमेंट, उनके वेलफेयर पर फोकस किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये भी हम कर चुके हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग ऑलवेज टू बी सेंट्रलाइज, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लानिंग हमेशा सेंट्रलाइज हो, नोर इज इट इज़ दैट प्लानिंग इज ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज और एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। द केरला मॉडल, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, वट वॉज केरला मॉडल, केरला मॉडल क्या था। केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाई द स्टेट ऑफ केरला। देर हैज़ बीन अ फोकस इन मॉडल ऑन एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स, इन सब के ऊपर क्या है फोकस किया गया था। डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम्स एंड अ रिलेटिव वीक इंडस्ट्रियल बेस, केरला अचीव नियरली टोटल लिटरेसी, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑफकोर्स अगर हम इंडिया के अदर्स स्टेट से कंपेयर करें तो केरला के अंदर क्या है, वहाँ पे जो डेथ रेट है वो घटा है, लाइफ जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ा है, वहाँ के व्यक्ति क्या है एक लंबी आयु जीते हैं, ये सब कुछ क्या है वहाँ पर हुआ है। द गवर्नमेंट बिटवीन 1987 एंड 1991 द गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव विच इन्वॉल्व कैंपेन फॉर डेवलपमेंट डिजाइन टू इन्वॉल्व पीपल डायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज थ्रू वॉलेंट्री सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन। द स्टेट हैज ऑल्सो इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व पीपल इन मेकिंग प्लान्स एट द पंचायत बुक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि वहाँ केरला के अंदर केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने खुद जो लोकल पीपल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया, किस लिए, ताकि वो अपने रूरल एरियाज, अपने लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है अपनी जो भी पॉलिसीज बनाए और स्टेट को क्या करे डेवलप करे। ओके
नाउ लुक एट हियर की कॉन्ट्रोवर्सीज, वट वॉज द मेन की कॉन्ट्रोवर्सीज एट द टाइम, कि वो ही दो की कॉन्ट्रोवर्सीज थी कि या तो एग्रीकल्चर पर फोकस किया जाए या फिर किसके ऊपर, इंडस्ट्री के, कि कुछ पीपल, कुछ लीडर्स ऐसे थे, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट को या प्लानिंग कमीशन को क्या है, एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे जो चाहते थे सिर्फ गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्री को डेवलप करना है तो। यहाँ पे हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है जेसी कुमारप्पा, क्योंकि हम सब कुछ जो है पहले है ये सारा इनको एक बार डिस्क्राइब कर चुके हैं। मैनी थॉट दैट द सेकंड प्लान लैक्ड एन एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट। ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे व्यक्ति सोचते थे, क्योंकि सेकंड प्लान में क्या किया गया था, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया था, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति सोचते थे कि से जो एग्रेरियन स्ट्रेटजी, एग्रेरियन मीन्स ग्रामीण जो समुदाय है, जो कृषि से जुड़ा हुआ समुदाय है, वो पिछड़ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, एंड द एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्री कॉज्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया टू सफर। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जेसी कुमारप्पा, हु वाज जेसी कुमारप्पा, जेसी कुमारप्पा वाज अ लीडर, जेसी कुमारप्पा वाज अ इकोनॉमिस्ट, जेसी कुमारप्पा वाज अ जो क्या था, गांधीयन लीडर। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जेसी कुमारप्पा प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट पुट ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ क्या है, गवर्नमेंट को रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, यानी कि रूरल एरियाज पर स्मॉल इंडस्ट्रीज, जिनको हम छोटे छोटे उद्योग धंधे, यानी कि जो कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंडस्ट्री हैं, वो गवर्नमेंट को क्या है, विलेज के अंदर डेवलप करनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह का कांग्रेस लीडर हु लेटर ब्रोक फ्रॉम द पार्टी टू फ्रॉम भारतीय लोकदल। जो चौधरी चरण सिंह क्या थे, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, कौन सी, भारतीय लोकदल पार्टी बनाई थी फोर्सफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे चैप्टर में आएगा ये सारी पार्टी की, हु वाज चरण सिंह, चरण सिंह वाज क्या है, मेन लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर ये कहे चरण सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फोर्सफुली आर्टिकुलेटेड द केस फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का जो प्लानिंग है उसके अंदर उसका सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए। ही सेड दैट द प्लानिंग वॉज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ द फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। इसमें वही बार बार बात आ रही है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते थे, अदर्स थॉट दैट विदाउट अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी की। तो कुछ व्यक्तियों का ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही जो इंडिया है वो इस पॉवर्टी, इस गरीबी के जाल से मुक्ति पा सकता था, ये उन्होंने व्यक्तियों ने कहा था। तो यही मेन कंट्रोवर्सी क्या उस इंडिया के अंदर रही थी। लुक एट हियर जेसी कुमारप्पा, जेसी कुमारप्पा ओरिजिनल नेम जेसी कॉर्नेलियस इकोनॉमिस्ट चार्टर्ड अकाउंट, स्टडीड इन इंग्लैंड और यूएसए के अंदर, इन्होंने फर्स्ट स्टडी की थी, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे, स्कॉलर पर्सन हम इनको कहेंगे, और महात्मा गांधी के बड़े भगत रहे हैं ये। ट्राई टू अप्लाई गांधीयन प्रिंसिपल टू इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि गांधी जी ने कभी कहा था कि गांवों के अंदर स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप करनी चाहिए, तो उन्होंने वही पॉलिसी फॉलो की। ऑथर टू इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके बुक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस इनकी ये बुक थी। ऑन दिस पेज, पेज नंबर 55, मूवी जो है, अ मूवी इज गिवन हियर, एक मूवी के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया, पाथेर पांचाली, ये एक मूवी है, और ये पाथेर पांचाली जो ये मूवी है, ये एक बंगाली मूवी है, ठीक है। और इस मूवी के अंदर उस टाइम की, ये देखो, ये इसमें से स्पेसिफिक पिक्चर बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो ये मूवी भी कई बार पूछी जा सकती है। इन विच ईयर दिस मूवी वॉज रिलीज, कब हुई, इसके डायरेक्टर वगैरह कौन थे, इस मूवी के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया। मूवी 1955 में रिलीज हुई, सत्यजीत रॉय इसके क्या डायरेक्टर रहे, और ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय इसके, इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी, स्क्रीन प्ले सत्यजीत रॉय और ये मेन एक्टर थे। इस मूवी के अंदर क्या है, एक बंगाल के एक परिवार के अंदर एक जो गरीब फैमिली थी उसको दिखाया गया है, और दुर्गा
द डॉटर ऑफ हरिहर एंड सरबजय विद हर यंगर ब्रदर अप्पू, की एक लड़की की इसमें कहानी दिखाई गई है कि एक दुर्गा है और छोटी सी ही वो बच्ची है और वो अपने भाई जिसका उसके भाई का नाम है अप्पू, वो उसके साथ क्या विलेज में रहती है और किस प्रकार कितनी भूखमरी है वहाँ, किस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं। ये 1950s का जो दौर है ना, उस टाइम जो डिकेड था 1950s का, कि उस टाइम एक गरीब गांव के अंदर एक गरीब परिवार की क्या स्थिति थी, ग्रामीणों की क्या दशा थी, ये मूवी उसको एक्सप्लेन करती है। और हम पढ़ क्या रहे हैं अपने चैप्टर के अंदर, वही तो पढ़ रहे हैं, 1950-60 का डिकेड पढ़ रहे हैं और उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या सोच रही थी, और इस मूवी के अंदर वो दिखा रहे हैं सरकार क्या सोच रही थी और व्यक्तियों की स्थिति क्या थी, ये जो है उसको दिखाती है। द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द सिंपल लाइफ एंड द एफर्ट्स ऑफ द मदर ऑफ दुर्गा एंड अप्पू टू मेंटेन द फैमिली, की किस प्रकार से वो अपने आप को बचाने की सर्वाइव, उस गरीबी के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। पाथेर पंचाली सॉन्ग ऑफ द लिटिल रूड नरेट्स द डिजायर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द पुअर फैमिली थ्रू द लेट ऑफ यंगस्टर्स, फाइनली ड्यूरिंग मानसून दुर्गा फॉल्स इल एंड डाइज विद व्हाइल हर फादर इज अवे, कि उसका फादर बाहर कमाने के लिए जाता है और उस टाइम क्या है दुर्गा की डेथ हो जाती है। हरिहर रिटर्न्स विद गिफ्ट्स इंक्लूडिंग अ सारी फॉर दुर्गा, और हरिहर जो उसके फादर थे जब वो गांव में आते हैं वो दुर्गा के लिए अफकोर्स क्या है, क्योंकि वो बाहर इंडस्ट्री के अंदर यानी कि किसी जो उस टाइम फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रही थी शहरों के अंदर, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं ताकि वो अपने परिवार के लिए कैसा पैसा कमा कर लाए, और जब वो उनको थोड़ी बहुत इनकम होती है और वो वापस अपने गांव आते हैं तो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट जब वो परचेज करते हैं तो अपनी बेटी के लिए एक साड़ी लाते हैं, लेकिन जब वो गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी थी। तो ये जो स्टोरी है, ये इस टाइप की स्टोरी पूछी जा सकती है, किस डिकेड से रिलेटेड है, इस टाइप से बेसिकली इस चैप्टर के इस पार्ट के अंदर क्या है, ये जो हमारे फर्स्ट 4 और 5 चैप्टर्स हैं तो ये मूवीज गिवन है, इन मूवीज के थ्रू ही क्या किया गया है उस टाइप की जो इंडियन बैकग्राउंड उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ये भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडिया के सामने जो मेन दो, एक तो एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री जो मेन कंट्रोवर्सी थी, तो अब साथ के साथ थे कि इंडिया किसको अडॉप्ट करे, पब्लिक सेक्टर को अडॉप्ट करे इंडियन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि सब कुछ सरकार अपने पास रखे या खुद व्यक्तियों को भी थोड़ी बहुत ऑनरशिप दे दी जाए। इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नॉन पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट, इट डिड नॉट एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट वॉज लेफ्ट एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर, नॉर डिड इट फॉलो द सोशलिस्ट मॉडल इन विच प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज एबोलिस्ड एंड ऑल द प्रोडक्शन वॉज कंट्रोल्ड बाई द स्टेट, कि इंडियन गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती थी, ऐसा भी नहीं करने वाली थी कि वो सब कुछ अपने पास रखे और व्यक्तियों को क्या है पूरी तरह से सब कुछ क्या है सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाए, कि सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में हो जाएगी तो ऑफकोर्स व्यक्ति किसके ऊपर डिपेंड हो जाए, गवर्नमेंट के ना, और ना ताकि ये व्यक्ति ये सोचे कि उनको तो कोई राइट ही नहीं है, ओनरशिप का राइट ही नहीं है, तो ये भी फील नहीं करवाना चाहती थी। और साथ के साथ गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती थी कि सब कुछ व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाए और सरकार क्या है कुछ भी व्यक्तियों के लिए ना करे इस टाइप की। तो इंडियन गवर्नमेंट मिक्स्ड जो मॉडल है, अ मिक्स मॉडल लाइक दिस वॉज ओपन टू क्रिटिसिज्म फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। ऑफकोर्स जो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे वो तो क्या चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करे पब्लिक सेक्टर को अपनाए, लेकिन जो कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाले थे तो वो क्या चाहते थे कि सरकार क्या करे प्राइवेट सेक्टर को अपनाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने तो क्या किया मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसको हर व्यक्ति ने क्या है जो प्राइवेट या जो भी पब्लिक है सब ने उसको क्या किया कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और इस टाइप से क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये पिक्चर गिवन है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है, देखो यहाँ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को जिस प्रकार से उस टाइम यहाँ पे जो मेन लीडर्स थे, इस जो मेन लीडर्स के कार्टून्स बनाए गए हैं वो भी दिखाए गए हैं। एस्ट्राइड द पब्लिक सेक्टर आर सेंट्रल मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो पब्लिक सेक्टर में ये दिख रहे हैं सबसे आगे लाल बहादुर शास्त्री दिख रहे हैं, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ काटजू, जगजीवन राम, टी टी कृष्णा मार्ची, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा एंड केसर, जो उस टाइम इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत नामी ग्रामी चेहरे थे वो दिखाया गया। और पंडित नेहरू को बीच में दिखाया गया है कि पंडित नेहरू क्या थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मेजर आउटकम्स, इनका आउटकम्स क्या निकला कि इसके थ्रू
क्या है इंडियन गवर्नमेंट को किस प्रकार से हेल्प होनी थी, आगे जाकर क्या पॉवर्टी रिड्यूस हुई कि नहीं, वो सब कुछ क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे. ऑल थिंग्स आर क्लियर रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट नाउ.